अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन स्पेशल के साथ मैं हूँ सिद्रा सत्ती। नाज़रीन, जैसे कि आप सभी जानते हैं, गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान में टूरिज़्म समिट 2019 का इनेकाद किया गया था, जिसमें यूक्रेन से आई हमारी एक मेहमान ने दिल दिल पाकिस्तान गाकर सभी पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए थे। नाज़रीन, क्रिस्टीना द्रोबिनका आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है वसीम खोकर साहब, जिन्होंने क्रिस्टीना को पाकिस्तान में लाया। वसीम खोकर साहब का तारुफ़ कराते चलूँ, पाक यूक्रेन ट्रेड कल्चर एंड एजुकेशन सेंटर के प्रेसिडेंट हैं और इसके साथ साथ ब्रिजिंग हेड इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट भी हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने नई कंपनी लॉन्च की है पाकिस्तान में रेड कार्पेट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के नाम से। खुश आमदीद एंड वेलकम क्रिस्टीना, वेलकम टू पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। ओके वसीम साहब, आई एम गोइंग टू आस्क यू, लाइक आप ये बताइए कि आप पहले तो अपने बारे में कुछ बताएं। आप इतने अरसे से काम कर रहे हैं, आपने पाकिस्तान की टूरिज्म को यूक्रेन के माबेन बहुत फ़रोग दिया है, इस हवाले से बताइएगा नाज़रीन को। फ़र्स्ट ऑफ ऑल सिद्रा, थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा अपने बारे में बताता चलूँ कि मैं प्रेजिडेंट हूँ पाक यूक्रेन ट्रेड एंड कल्चर सेंटर इस्लामाबाद का 2011 से, और यूक्रेन के साथ मेरे उस वक्त से ही रिलेशंस हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेड और कल्चर को प्रमोट किया जाए। तो मैं बड़े अरसे से सोच रहा था कि इसको प्रमोट किस तरह किया जाए। इसके अलावा मैं थोड़ा बताता चलूँ कि ब्रिजिंग ट्रेड इंटरनेशनल एक कंपनी है जो मेरी जो ट्रेड को बेसिकली प्रमोट करती है बिटवीन पाकिस्तान एंड यूरोप। एंड रिसेंटली वी लॉन्च अनदर कंपनी विद द नेम ऑफ रेड कार्पेट। तो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो हमने सोचा कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स किए जाएँ। पहले ये रेड कार्पेट जो है यूरोप में इवेंट और फैशन शो कर रही थी, अब हमने प्लान किया कि इसको पाकिस्तान में लॉन्च किया जाए। तो लास्ट ईयर 2016 में हमने इसको एक एग्रीमेंट भी किया टूरिज़्म के ऊपर और टूरिज़्म प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान और यूक्रेन के दरमियान। और फिर मैं सोच रहा था कि किसी तरह कोई ऐसा आइडिया इस पे काम किया जाए कि कोई यूनिक आइडिया हो। तो क्रिस्टीना से आई ऑलरेडी नो हर, तो मैंने इसे रिक्वेस्ट की कि क्रिस्टीना, अगर आप ये दिल दिल पाकिस्तान को सिलेक्ट करो और इस पे वर्किंग करो तो ये बड़ा अच्छा लगेगा। शुरू में तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर टू टेक दिस चैलेंज, बट माशाल्लाह शी इज़ वेरी टैलेंटेड and she took a lot of efforts to basically to learn this song, and I know that when she speak dil dil and how, you know, obviously there is a language barrier and she learn it very quickly. aur isko bahut se alfaz the jo isko nahi aate the, jo mujhe kafi mehnat karna padi isko sikhane ke liye, aur but finally I am so happy jab isne do din kal jab perform kiya, सारे मिनिस्टर्स हमारे मौजूद थे, ऑडियंस थी, पाकिस्तान टूरिज्म समिट के ऊपर ये किया, हमारे टूरिज्म के मिनिस्टर भी थे, सब लोग वहाँ, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी थे, और शी परफॉर्म वेरी वेल। आई फील प्राउड ऑफ हर, फ्रैंकली स्पीकिंग शी परफॉर्म वेरी वेल। ओके, टेल मी अबाउट योरसेल्फ क्रिस्टीना, टेल मी अबाउट यू, व्हाट आई मीन हाउ क्रिस्टीना इज एंड आई मीन हाउ शी रीच्ड हियर till, I mean, so far, whatever you achieved, tell me about you and tell the viewers about it. Salam Pakistan. First of all, I want to say hello everyone. My name is Kristina Drobinka. I'm from Ukraine, Kyiv. I'm a professional singer, actress, and I organize different kind of events in Ukraine, Kyiv. From my childhood, my dream was to become a big star, to become a singer, a singer. And from my childhood, I started to study, professionally study. I have a big experience actually in singing, and I finished music academy named Gliera, Institute of Gliera, where is a lot of our top stars study. And I'm very happy that I'm here now, and come first time to Pakistan as for the performance. Mm-hmm. Okay, Kristina, tell me, like, you visit to Pakistan. How was your experience over here?
It's my first visit, of course, very excited. I like it too much. It's an amazing country, and I'm impressed. Okay, you're impressed. And tell me something like, what inspired you to sing this song? As you can see that the language is very difficult. So what inspired you? I mean, first of all, I came to Pakistan to perform Dil Dil Pakistan in the Global Pakistan Tourism Summit, and I come in from the company Red Carpet Event Management Company, which invite me and guide me here to perform of such a big event with the song Dil Dil Pakistan. And for me, it's a big honor actually to sing this song, because I'm like too much Junaid Jamshid, the vital sign, and my message why I choose this song, because to make his life more continue this song alive, to okay. That this song will be alive, and it's of course it's national song, it's a very famous song in Pakistan, so that's why I'm choose this song, and very happy that to perform this song. Okay, Kristina, tell that how much difficult it was for you to, I mean, speak the Urdu, the different language. It's different than your Ukrainian language. I speak different languages. I know a lot of languages, actually. Really? But so I should learn Urdu also. It was a little bit difficult. And also I asked Mr. Waseem some words. He helped me in pronunciation. And also, it's take time, but I feel good that pronunciation was like a real Pakistani, okay. Pakistani language. Okay, Waseem sab, aap bataiyega ki aapki jo red carpet company hai, uske kya objectives hain? Sidra, main dekh raha tha ki Pakistan mein bahut mashallah se improvements ho rahi hain, international log aa rahe hain. To mere zehen mein aaya ki ye hum पाकिस्तान से बाहर तो ऑलरेडी कर रहे हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स कर रहे हैं, फैशन शोज़ करते हैं रेड कारपेट पे, तो मैंने कहा ये इस तरह के इवेंट्स हम पाकिस्तान में भी करें, अच्छे लेवल के इवेंट्स करें, और इंटरनेशनल जो हमारे पार्टनर्स हैं, हमारे कोलीग्स हैं, हमारे साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उन्हें भी इन्वाइट करें, उन्हें पाकिस्तान में लेके आए. और ये पहला फर्स्ट स्टेप है कि हमने क्रिस्टीना द्रोबिन्का को पाकिस्तान इन्वाइट किया, और बड़ा सक्सेसफुल रहा, और इन्होंने बड़ा अच्छा, मैंने बताया, परफॉर्म किया, और जो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा, कि एक बंदा जिसको ऑब्वियसली लैंग्वेज अपनी नहीं, उसमें उसने सीखा और परफॉर्म किया, और ये मैं कहना चाहूँगा कि ये हमें, मेरा ऑब्जेक्टिव ये भी था कि ये जुनेद जमशेद को ट्रिब्यूट देने के लिए हमने कहा कि ये उनको 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 ट्रिब्यूट दिया जाइए, और हम ये मैसेज जुनेद जमशेद की फैमिली तक ये भी पहुँचाएँगे, वीडियो भी उनको शेयर करेंगे, और आई होप कि वो इसको एंजॉय करेंगे कि एक इतना अच्छा गाना जो जुनेद जमशेद ने मरहूम ने गाया और फिर इन्होंने गाया, इन्होंने गाया, और देखिए वसीम साहब, बड़ा बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो जो फीलिंग क्रिस्टीना के अल्फाजों से आई, मतलब लग नहीं रहा था कि शी इज़ नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, जितने दिल से इसने पाकिस्तान के लिए गाया, तो इट वॉज सो सो ब्यूटिफुली सॉन्ग आई गेस. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. और इसमें मैं पहले भी कहा कि जी क्रिस्टीना की मेहनत है, माशाल्लाह इसने बड़ी मेहनत की इस पर, और हम फर्दर भी प्लान कर रहे हैं क्रिस्टीना के साथ, फ्यूचर प्लान्स भी कर रहे हैं कि ये फर्दर और कोई सॉन्ग भी तैयार कर सके हमारे इस तरह के नेशनल. अच्छा, तो फ्यूचर में जो आपका प्लान है, क्या करने जा रहे हैं, लाइक पाकिस्तान में क्रिस्टीना को दोबारा बुलाएंगे किसी अहम मौके पर और गाना इनसे? इंशाल्लाह शी विल कम अगेन एंड अगेन टू पाकिस्तान. Pakistan is now, she will say, is her second home too. Okay. we have a plan to you know, the create a soft image of Pakistan. And uske alawa ye ke Pakistan mein maximum tourism ko leke aaye. Tourism jo hai na, wo jab hoti hai na, uske sath इन्वेस्टमेंट फिर साथ आ जाती है, क्योंकि पहले ब्रिजिंग ट्रेड इंटरनेशनल जो मैंने बताया, वो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें.
लेकिन जब हम टूरिज्म को प्रमोट करेंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट उसके साथ ऑटोमेटिक जी बिल्कुल, क्योंकि जब भी कोई जाता है कहीं पे तो वो पहले जाके मुल्क को देखता है, कंट्री को देखता है, एटमॉस्फेयर को देखता है। और जब क्रिस्टीना को सोशल मीडिया पे देखेंगे, चैनल्स पे देखेंगे कि एक फॉरनर आई है और उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया है और ये उसके कमेंट्स हैं शी लाइक दिस, तो दे डेफिनेटली दे इंप्रेस एंड दे विल कम कि यार ये वी हैव टू एक्सप्लोर पाकिस्तान। शी इज लाइक एन एंबेसडर, शी इज एंबेसडर ऑफ यस यूक्रेन टू पाकिस्तान फॉर अस। एंड हम अभी तो इतफाक है, हमने इसको ज़्यादा वो नहीं सीसा अपना कंट्री को दिखा सके इस्लामाबाद को, क्योंकि शी वॉज लिटल बिट कॉन्शियस कि ये कहीं एनवायरनमेंट बाहर से इनका गला ख़राब ना हो जाए, कोई एलर्जी कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए। तो अब हमारा प्लान है इनको, हम आज होपफुली इनको मोनाल, एक बड़ा ज़बरदस्त आपको पता है जगह है, हिल व्यू स्टेशन है हमारा ज़बरदस्त, वहाँ मरीज लेके जाके दिखाएंगे, या और जो हमारे नॉर्दर्न एरिया है वहाँ जाएंगे और वहाँ वीडियोस हमारा प्लान है। क्या ये क्रिस्टीना की अपनी ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान में आए, क्योंकि वो जो जगहें जो बड़ी फेमस है, मरी है, मोनाल है। मैं आपको बताऊँ सिदरा के क्रिस्टीना की बिल्कुल ये थी कि क्रिस्टीना आए और शी हैज़ अ पैशन टू परफॉर्म, शी एज ही टोल्ड यू अर्लियर कि शी वॉन्ट टू बी यू नो अ सिंगर अ स्टार, so I'm sure after that she is a big star. अच्छा ब्रेक के बाद बात करेंगे, गुफ्तगु कहीं से जारी करेंगे। नाज़रीन प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे गुफ्तगु को जारी करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, वसीम खोकर साहब बता रहे थे कि क्रिस्टीना को वो हिल स्टेशन वगैरह पर घुमाने के लिए लेके जाएंगे। अच्छा वसीम साहब ये बताइएगा, ये तो हो गई बातें घुमाने फिराने की, अब ये मुझे बताइएगा कि यूक्रेन और पाकिस्तान के माबैन जो ट्रेड है उसको फ़रोग देने के लिए आप क्या इकदाम करें? सिदरा बेसिकली अ लॉट ऑफ थिंग्स वी आर डूइंग, लास्ट ईयर हमने कुछ 3 कॉन्फ्रेंसेस की हैं वहाँ पे यूक्रेन में, उनकी चैम्बर के साथ P2B बिजनेस की बात की है, और जो मैं अचीवमेंट बताऊंगा कि टेक्सटाइल की जो मिनिस्टर है उनकी मिस गोल्डा, उनके साथ हमने एग्रीमेंट किया कि टेक्सटाइल को पाकिस्तान से वो इंपोर्ट करें, हमारी जो प्रोडक्ट है, और यूक्रेन में उसको सेल करें। तो वेरी सून शी हैज़ प्लान टू विज़िट पाकिस्तान, और इंशाल्लाह से कम अज़ कम मेरा ख़्याल है 500 से 1000 लोग जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने का चांस बढ़ेगा कि वो यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके लिए कि उन्होंने एक डिस्प्ले भी बनाया है, एक्सपो सेंटर, एक ट्रेड हाउस बनाया है जिसमें लोग अपने रिटेल आउटलेट खोलेंगे। अच्छा। और यस पाकिस्तानी खोलेंगे अपने रिटेल अपने ब्रांड के साथ, और पाकिस्तान से यूक्रेन एक्सपोर्ट करेंगे और यूक्रेन से फिर री एक्सपोर्ट आगे बाकी यूरोप में भी करेंगे। अच्छा। जी क्योंकि अब जब यूक्रेन में इम्पोर्ट ड्यूटीज़ कम है एज़ कम्पेयर टू जर्मनी या बाकी कंट्रीज़ हैं या अदर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। बेसिकली उन्होंने इससे पहले आना था लेकिन कुछ वजूहात की वजह से नहीं आ सकी, एंड शी इज़ लकी कि ये इन्होंने ये पहले आ गई। और ट्रेड के ऊपर भी वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा वसीम साहब बताइएगा कि वहाँ पर यूक्रेन में पाकिस्तान की किस चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा है, क्योंकि देखें ना पाकिस्तानी मसनूआत दुनिया भर में किसी ना किसी चीज़ के हवाले से खासी मशहूर हैं, तो यूक्रेन में क्या चीज़ की डिमांड है? देखें पाकिस्तान से होम टेक्सटाइल की बहुत बड़ी डिमांड है, रॉ मटेरियल से लेके लाइक कॉटन यार्न और मेडअप्स तक के वहाँ रिक्वायरमेंट है। और मेरा प्लान यही है कि हमारा कि हम वहाँ पर पाकिस्तानी ब्रांड्स को लेके जाएँ, तो पाकिस्तान में बहुत सारे ब्रांड्स बन चुके हैं आपने देखा, और उनको लेके जाएँ प्रमोट करें, वो अपना डिस्प्ले बनाएं और वो प्रमोट करें। टेक्सटाइल है, मैं बताऊँ स्पोर्ट्स गुड्स हैं, स्पोर्ट्स वियर है, सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं, और
देर आर मैनी थिंग्स एक्चुअली नाउ. आप अपने लेदर की, लेदर गारमेंट्स हैं हमारी बड़ी पॉपुलर हैं, तो वो भी वी कैन एक्सपोर्टेड टू दैम. और जी अच्छा, आई वॉन्ट टू आस्क क्रिस्टीना दैट यू वेयरिंग पाकिस्तानी क्लोथ्स. Tell me, I mean, are you liking it? I mean, how are you feeling about it? These are very colorful clothes. So, are they different than Ukrainian clothes? I feel very comfortable okay. in Pakistani clothes. They are very comfortable, colorful, mm-hmm. catch. They are eye-catching. So, I like it. I like everything in a Muslim style, you know? Even from my childhood. Okay. So yes. Like so I like everything, not only in clothes, in everything, and food, and clothes, and atmosphere, and people. So I'm very feel good in this, very comfortable. Okay. So they in are Ukraine. Very, very okay. Another. We have another style of clothes. Pakistan clothes. They are, it's Muslim country, so wearing clothes. Open dresses, okay. not another style. So I like this style. I don't like to open the like dresses with décolleté. So you're actually loving yeah. it. Yes. Okay. And our clothes, it's more relaxing. It's jeans and casual. Yes, like, casual. Skirts or long maxis. Yes. Yes. Okay. Yeah. Okay, Kristina, tell me, like, you sung a very, very beautiful song. Your voice is very, very beautiful. So, I mean, how people responded? I mean, what was the response over there? Oh, I was very shocked because they come all to me and make selfie and they say very good words to me. They loved my performance. They appreciate and they say, come again with a new song. So okay. I just sing. Which song? Maybe Nazi Hassan, Disco Divane, or Boom, okay. or Boom. Actually, I love like a lot of know a lot of Pakistani singers, so I watch in YouTube actually, and also for me big honor that I saw Imran Khan in a life because you wanted to meet him. Yes, to okay. Marshak because. He's a very famous global leadership. He's all the world know him, and he's very powerful. And it was very for me, you know, when you sit in Kyiv in Ukraine, you saw on YouTube, and when you sit directly 10 meters and see this person, how he performed for top level of people. So it's a lead. It's a luck. It's a luck. Okay, that's true. My life. Okay, luck. Thank you. I would like to add one thing more. Yeah. She has a chance to even to have a dinner. Have a dinner with the president of Pakistan. Okay. Yes. Yes. Day before yesterday. So how was the experience of that? Oh, it's after first day of Pakistan Tourist Summit. We have a dinner with the Mr. President. And top level leaderships of in tourism in a Serena hotel and it was close dinner event and for me it was really I feel like star. Okay, tell me about food. I mean, did you like Pakistani food? Yes, I like it. Biryani, I like sweet ayran because we don't have such in Ukraine. Chicken, different chicken karai. Was that spicy? Was that spicy for you? Not too much because I cannot eat too much spicy food, but it's very tasty, delicious, mm-hmm. and I like it so much. And I just want to tell you that I took them to eat for food, so they have to eat Pakistani. इस लस्सी जिसको वहाँ आयरन कहते हैं आयरन वो इतना पसंद आया पाकिस्तानी लस्सी एंड शी वाज रियली फैन ऑफ पाकिस्तानी लस्सी मीठी लस्सी नमकीन लस्सी मीठी लस्सी यस अच्छा तो डॉक्टर वसीम साहब ये बताइएगा आप मुझे कि फ्यूचर प्लान क्या है आपकी कंपनी के मतलब क्या आइंदा जो है वो ट्रेड की बेहतरी के लिए कल्चर के फरोग के लिए जो आप लोग इकदाम करने वाले हैं ट्रेड और कल्चर के हमें शो करेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान में और रेड कार्पेट इसको इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हमारी के प्लेटफॉर्म से करेंगे और उस पर ये कि व्हाट आई फील इट के वी हैव अ लॉट ऑफ प्लान्स टू डू नॉट सिर्फ यूक्रेन से बाकी कंट्री से भी लोगों को बुलाएंगे पाकिस्तान यस एक्चुअली टू प्रमोट टुगेदर टू प्रमोट बिजनेस ट्रेड एंड कल्चर इन पाकिस्तान एंड ऑल्सो इन यूक्रेन
And also I joined to the company of Red Carpet Event Management as a general. So you're part of Red Carpet company now. General manager. So we will plan to do something useful. Okay, then I wish you all the best for this. I just want to add it ke Pakistani logon ke liye ye badi zabardast opportunity hai ke wo international standard ka jo event organizer hai wo Pakistan mein aaye. और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की वो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन अच्छा तो वहाँ के आर्टिस्ट को आप पाकिस्तान में लेकर आएंगे पाकिस्तान में लेके आएंगे और इवेंट जो हमारी ऑर्गेनाइजर होंगी वो मिस क्रिस्टीना द्रोबिनका होंगी यस द स्टैंडर्ड ऑफ लेवल इज वेरी गुड एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी हाई लेवल ऑफ इवेंट इन पाकिस्तान I wish you all the best for this. Kristina, now tell me, like, as people can see, this is a very, very beautiful mehndi on your hand. In Ukraine, you might apply, I mean, tattoo or something like this. We have, our people like tattoo, actually, too much. Yes, do you like tattoos? No, like I don't like, never do tattoo. But mehndi, I enjoy it. It is with henna, I think, they make it. So I performed especially in traditional clothes, traditional suits, traditional jewelries, makeup or hair, mehndi. So I feel like I'm real Pakistani and I'm proud of this. Okay, what you like in mehndi? The color, design or what? I like, actually I like flowers. So it's they put me flowers in hand. Okay, it looks beautiful on you. It looks beautiful on you. अच्छा वसीम साहब आखिर में प्रोग्राम का वक्त भी चूँकि ख़त्म होने जा रहा है मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों का एक्सपेक्टेड जो है वो है कि किस तरह से जो है पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज आपने बाहर लेके गया है क्रिस्टीना पाकिस्तान आई हैं और आइंदा भी आपका जो है प्लान है कि आप मधु करेंगे लोगों को तो क्या आप समझते हैं कि अच्छे इकदाम हुकूमत की तरफ से भी लिए जा रहे हैं जी गवर्नमेंट माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं इस वक्त और जैसे कि पाकिस्तान टूरिज्म समिट में सारे मिनिस्टर्स टूरिज्म के मिनिस्टर्स सारे चारों सूबों से आए हुए थे और बाकी मिनिस्टर्स भी आए थे और गवर्नमेंट इज़ विद अस एंड दे आर सपोर्टिंग अ लॉट एंड दे आर सेइंग कि जी टूरिज्म को प्रमोट किया जाए तो टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत होती है गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है लेकिन काम तो प्राइवेट सेक्टर अच्छा, करता है इमरान खान का अपना भी मोटो ये है जिन्होंने जब वो हुकूमत में भी आ रहे थे उन्होंने कहा था कि वो टूरिज़म को खासा फ़रोग देंगे सो क्या आप पीटीआई गवर्नमेंट जो है वो ले रही इकदाम कर रही है जी बिल्कुल दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट और कल हम ने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान कल हम उनसे मुलाकात भी की उनसे प्राइम मिनिस्टर हाउस में हम गए हुए थे और देर वॉज़ अट्ठी पार्टी और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त ब्रीफिंग दी इसके ऊपर टूरिज़म के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का विजन बिल्कुल क्लियर है इसके ऊपर एंड ही इज़ वेरी फोकस्ड कि जी इसको प्रमोट किया जाए जो हमारी टूरिज़म है ठीक है ओके क्रिस्टीना टेल मी हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस लाइक यू आर लीविंग पाकिस्तान सून व्हाट मैसेज आर यू टेकिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू यूक्रेन My message is that no need to scared. Take your chance in life, and believe in yourself. Also, say thankful for the God which give opportunity. Say, God give opportunity to persons, give people. So I think also what coming in your mind, it will realized in life, okay. and. Come to Pakistan, and I want to see more tourists from Ukraine in Pakistan, and not only from Ukraine, in different countries also. It's a beautiful country. You should visit 100%. Okay, Kristina, at last, I want you to sing a song in our Urdu language to the for the viewers. Actually, they really want to listen to you from the platform of Vision. Okay. ऐसी ज़मीं और आसमान इनके सिवा जाना कहा हर तीरे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान दिल दिल Pakistan, Jan, Jan, Pakistan, Dil, Dil, Pakistan, Jan, Jan, Pakistan, Dil, Dil,
Pakistan, Jan Jan, Pakistan. Very, very beautiful. Kristina, thank you so much for coming here and giving us an honor to interview you. Waseem saab, aapka bhi bahut bahut shukriya. Mustaqbil ke liye main aapko best of luck kahungi aur aap aise hi acche acche artists ko Pakistan mein laate rahein aur Pakistan ka naam bahar bhi aur duniya bhar mein aap roshan kar saken. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay, Nazreen, program ka waqt khatam hua chahta hai. उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा. क्रिस्टीना ने विजन टीवी पे आपके लिए गाना भी गाया और अगर आपको वीडियो और प्रोग्राम पसंद आए तो कमेंट करना मत भूलिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा. इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सत्ती चाहती हूँ विजन स्पेशल से इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.